सोल वेलकम टू इंटर्न चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। आपका न्यू ईयर कैसे मनाया आपने? मैं मोस्टली न्यू ईयर मनाता हूँ अपनी फैमिली के साथ हर साल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ख़ास दिन है जब आप नए साल की शुरुआत करते हैं, तो वो आपको उनके पास होना चाहिए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं चंडीगढ़ गया था क्योंकि मेरी फैमिली भी फ़िलहाल वहीं पे सब लोग, तो मैं अपनी फैमिली के साथ था न्यू ईयर पर। और सेकेंड मैं करता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ हमेशा, तो मेरा बहुत बहुत सूदिंग न्यू ईयर होता है। उसके बाद फिर फर्स्ट सेकेंड से हम पार्टी शुरू करते हैं। कुंदन ने आज सरप्राइज़ किया उसको, क्योंकि कुछ टाइम पहले कुंदन थोड़ा चीखा था संजना पे और संजना बहुत अपसेट थी, तो उसको लगता है कि उसका मूड ठीक होगा थोड़ा। और उसको पेरेंट्स को बुला के अचानक से एक एकेडमी में पेरेंट्स को लेके आया और संजना शॉक्ड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और भी रहस्य हो सकता है उसके कुंदन को जो कुंदन ने बुलाया उसके पेरेंट्स को। तो यस, ये है। तो बेसिकली जिद्दी दिल के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, और ऑफ कोर्स आगे भी बहुत सारे 100, 200, 300 भी होंगे, क्योंकि बहुत प्यारा शो है और बहुत अच्छी यूनिट है। कहीं ना कहीं जहाँ कहते हैं ना पॉजिटिविटी होती है, वहाँ चीज़ें अच्छी तो होंगी होंगी। और जो टीम है वो सारी बहुत अच्छी है, एक्टर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जिद्दी दिल के साथ काम करने में। यस, मैंने थोड़ा टाइम के बाद मैं टेलीविजन पे आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ये था कि एक तो मैंने अपनी फिल्म जो बहुत जल्द आप देखोगे वो रिलीज़ होगी, और उसके लिए मेरा शूट चल रहा था पंजाब में। और मैं मुझे जब पता चला कि इतना अच्छा अमेजिंग कैरेक्टर जब मुझे ऑफ़र हुआ, तो डेफिनेटली मुझे करना ही था, कि कुंदन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हमेशा मैं बहुत डिफरेंट कैरेक्टर चूज़ करके ही करता हूँ। तो फिर से एक ये बहुत अलग वेरिएशन है, और एज एक्टर बहुत मज़ा आता है करने में। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे यही था कि लोग अप्रिशिएट करें, और थैंक गॉड सबको कुंदन जी बहुत पसंद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं थैंक यू कहूँगा पहले तो सबका, कि थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। आज का जो सीन था संजू के साथ, तो वो थोड़ा इस टाइप का लग रहा था, जैसे आपने आज जो पहना हुआ है मुझे 15 डेज हो गए शूट करते हुए, और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट गेटअप है, इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है, और मतलब लोगों को पसंद आ रहा है मेरा लुक जो है। तो यस, फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं आगे, तो ये पता चलेगा कि किस तरह से एक दो अलग सोच के लोग जब मिलते हैं तो क्या होता है, यू नो, एक क्योंकि संजना और कुंदन की सोच बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो जब क्लैश होगी तो क्या होगा। तो आगे आने वाले जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे हैं, जो मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं कि मैं उनको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सबको पहली बार ही सबके साथ काम कर रहा हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, और बहुत बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे शूट करते हुए, बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ मैं सबके साथ। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कुंदन जी को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी सबने एक्सेप्ट किया है कुंदन जी को, और मुझे जैसे मैसेजेस आते हैं बहुत सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरी बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा शूट कर रहा था, जहाँ जो मेरा सेट लगा हुआ था पंजाब में, जो मेरा पंजाबी शो आ रहा था एक, और अभी मैंने एक फिल्म करी है जो बहुत जल्द आएगी, और यस आपको पता चल जाएगा। हाय, दिस अंगद हसीजा एंड यू वॉचिंग इन टाउन, और प्लीज़ देखना मत भूलिए जिद्दी दिल 8 बजे सब टीवी पर।